नासरीन आपको अहम खबर देंगे। टिकटॉक स्टार हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी के निकाह से मुतलिक गर्दिश करने वाली अफवाहों की हकीकत से खुद हरीम शाह और मुफ्ती कवी ने पर्दा उठा दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें पाकिस्तान के मुतनाज़े टिकटॉक स्टार हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी आमने सामने बैठकर बहस कर रहे हैं और मौजू है हरीम शाह और मुफ्ती कवी का निकाह। वीडियो में देखा जा सकता है हरीम शाह काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। वीडियो के आगाज में हरीम शाह ने अपनी और मुफ्ती कवी को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर से मुतलिक भी बात की है और कहा है, मैं कसम खाकर कहती हूँ, ना मुझे मुफ्ती साहब से कभी मिलने का इश्तियाक हुआ है और ना ही किसी के जरिए मुफ्ती साहब से मिलने के लिए राबता करवाया है। हरीम शाह ने मजीद कहा, मुफ्ती साहब मुख्तलिफ चैनल्स पर जाकर मेरे खिलाफ बोलते रहे हैं, कभी बोलते हैं मैंने उसको गले लगा लिया, कभी कहते हैं मैंने उसे उसके निकाह कर लिया है, कभी कहते हैं मैंने हरीम शाह को चादर पहना दी है। हरीम शाह ने कहा कि मुफ्ती साहब को मेरे बारे में इतनी गलत बातें नहीं करनी चाहिए। अब वो थी या नहीं थी या कोई आपके नाम पे इनको पहले बात ये कि जैसे तस्वीर वायरल हुई इनको पता था कि मैं नहीं हूँ, मैं इनसे नहीं मिली और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि ना मुझे कभी मुफ्ती साहब से मिलने का इश्तियाक हुआ है, ना इस बात की कोई तलब हुई है, ना मैंने किसी के थ्रू कॉन्टेक्ट करवाया और ना ऐसा कुछ हुआ है। तो मुफ्ती साहब हर चैनल पे जाके मेरे खिलाफ बोलते रहे हैं और कभी कहते हैं कि मैंने उसको गले लगा लिया, कभी कहते हैं कि मैंने उससे निकाह कर लिया, कभी कहते हैं कि मैंने उसको चादर पहना दी, कभी कहते हैं कि अब वो खामोश होंगी, मैंने उसको समझा दिया। तो मुफ्ती साहब को मतलब एक इस्लाम का वो हो कि मेरे बारे में इतनी गलत बातें नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी गैदरिंग में मुझे देखे तो मैंने इनको नहीं देखा और मैंने पहचाना ही नहीं। अगर मैं कहीं पर बैठी भी हुई हूँ तो मेरी अपने मोबाइल के अलावा या अपने आप के अलावा मुझे नहीं पता चलता कि मेरे इर्द गिर्द कौन है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि मैंने किसी के थ्रू इनको ना पैगाम भेजे ना मुझे मिलने का कभी अल्लाह की कसम के कभी इश्तियाक भी नहीं हुआ कि मैंने मिलूं या इनके साथ में सेल्फी लूं या ये मुझे समझाएं या ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैंने कहा कि आप दीन मदारस में पढ़ी हूं, ये मैंने इनकी तकरीर सुनी है यूट्यूब के अंदर, ये जो तकरीर कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, बाय फेस मेरी इनके साथ ऐसी कोई बात नहीं। आज मुफ्ती साहब से आप पहली बार मिल रही हैं। अगर मैं एक बात थोड़ी सी वजाहत करूं, देखे मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से गलत बयानी ना हो, मैं हल्फन कहता हूँ कि मैंने कहीं नहीं कहा कि मैंने उन्हें गले लग मिला। ये सर आपका इंटरव्यू हुआ तो ठीक है, मैं आपको भी दिखा दूं निकाल के। दूसरा नंबर पे मैंने कहीं नहीं कहा कि बशीर लुकमान के जाके उसने नहीं कहा कि मैंने निकाह किया हुआ है, तो उसने कहा आपने किया तो उसने टिकटॉक छोड़ दिया। ओहो, ये बशीर लुकमान साहब की बात है जिनका जेन इस तरफ गया है कि शायद मुफ्ती साहब ने जो शादी या निकाह किया है वो हरीम शाह साहब है। तो और आप सुन ले, आप सुने, मैं बार बार सुने मैं आपकी बेटी की जगह हूँ, बेटियों से लोग निकाह करते हैं। मैं वल्ला बिल्ला कहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि उसका जेहन हरीम शाह साहब की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा जी आप उनको कहेंगे कि टिकटॉक बंद कर देंगे, मैंने कहा मैं क्यों कहूंगा जी टिकटॉक बंद कर दो। बात यह है कि जब हरीम शाह साहब का और मेरा आपस में निकाह का उम्र के हवाले से भी मसला नहीं बनता। आपने कहा मैं छोटी बच्चियों से भी निकाह करता हूँ, मुझे जो पसंद आए।